मूंगफली खली है और ये है इसका पाउडर फॉर्म है। इसको इसमें मिक्स कर देंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल पे सही पढ़ा है कि 10 रुपये आप लगाइए, 10 रुपये में 50 से अधिक गमले के लिए आप अपने पास खाद तैयार करिए और दीजिए, बहुत ही बढ़िया ग्रो करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको बताएं कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, लाइक शेयर करना भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन कुशवा, आपका आर्यन कुशवा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं मूँगफली की खली। अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कि मूँगफली खली इस्तेमाल करते होंगे तो क्या उसका रिस्पांस मिलता होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि मूँगफली खली बहुत ही बढ़िया आपके पौधे के लिए काम करता है। आपको बताएं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो 3 एलिमेंट है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप इससे पहले अगर सरसों की खली इस्तेमाल करते होंगे तो सरसों की खली से हम बता दें आपको कि इसमें नाइट्रोजन भी 2 गुना है, पोटास भी 2 गुना है और फास्फोरस भी 2 गुना है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जब इसमें एलिमेंट की मात्रा 2 गुना है तो कहीं ना कहीं सरसों की खली से भी बहुत बेस्ट काम करेगा ये मूँगफली की खली। दोस्तों थोड़ी सी ये इसका कास्ट आपको पे करना पड़ेगा। आपको हम बता दें कि सरसों खली हो गया तो 20 से 25 रुपया पर के जी मिल जाता है, 30 रुपया पर के जी भी मिल जाता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं सर मिलता कहाँ है। आपको बता दें कि जहाँ पर ऑयल निकलता है सरसों की जहाँ पे राई होती है वहाँ पे आपको सिंपल आसान तरीके से मिल जाएगा, बहुत सस्ता भी मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। मूँगफली खली के लिए भी मैं बता दूँ आपको कि सेम प्रोसेस वही है, वहाँ से आप ले सकते हैं। मूँगफली खली 40 से 50 रुपया पर के जी, कहीं कहीं 60 रुपया पर के जी भी लोग इसको बेचते हैं। ऑनलाइन इसमें 80 रुपया 100 रुपया के जी मिल रहा है, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है। इसको कैसे बनाना है आप देख सकते हैं मेरे हाथों में, ये जो मूँगफली खली है और ये है इसका पाउडर फॉर्म है। इन्हीं दोनों को मैं इसको मिक्सर में पीस लिया है, इसे पाउडर फॉर्म बना लिया है और ये इस तरीके से मैंने इसको मंगवाया था। आपको बताएं कि इसका रिस्पांस आपको इतना बढ़िया है कि मैंने यूज किया है, आपको बताएं बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस है। मैंने 3 से 4 महीने पहले एक डाला था वीडियो मूँगफली पर, वो मूँगफली उसको मैंने पीस करके उसको तेल हल्का सा निकाल के मैंने बनाया था, लेकिन आज आपको बता रहे हैं कि इसकी जो खली है, खली से आप इसको बनाइए, रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। इसको आपको बनाना कैसे है, आपको बनाने के लिए एक बाल्टी आप ले लीजिए, बाल्टी में आप ले लीजिए इसमें 5 लीटर पानी। 5 लीटर अगर आप पानी आप ले रहे हैं इसमें, तो हम आपको बताते हैं कैसे कैसे इसमें इस्तेमाल करना है। आप इसमें 5 लीटर पानी डाल दीजिए, और इस 5 लीटर पानी में आपको इस्तेमाल करना है मूँगफली जो खली है 200 ग्राम। आप 100 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने थंबनेल पर लिखा है 10 रुपया में 50 अधिक गमले, वो 100 ग्राम पे आप इसका निकालना, उससे भी कम आएगा, 7 से 8 रुपया ही आएगा 50 गमले के लिए। तो दोस्तों हम बताते हैं इसमें मुझे 200 ग्राम इस्तेमाल करना है। तो देखिए 200 ग्राम ये पाउडर को मैंने पीस लिया हुआ है और इसको हम 200 ग्राम को इसमें हम डाल दे रहे हैं। अब इसके बाद बता दें आपको कि इसमें आपको इस्तेमाल करना है सरसों की जो मस्टर्ड खली इस्तेमाल करते हैं बहुत लोग, तो सरसों खली इसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात को ध्यान देना। आपको इसमें इस्तेमाल करना है नीम की खली, नीम की खली आप इस्तेमाल करिए। आपको इसलिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि थोड़ी सी ये मीठा होता है और इसमें सरसों खली इस्तेमाल कर देंगे तो जो मीठापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसका रिस्पांस आपको पौधे पर बहुत बढ़िया मिलेगा। जैसे सरसों खली इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी नीम की खली आपको इसमें इस्तेमाल करना है 50 से 100 ग्राम इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम 100 ग्राम नीम की खली को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, देख रहे हैं आपको बता दें कि जो नीम की खली है, नीम की खली में बहुत ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो आपके पौधे के लिए, मिट्टी के लिए, फंगस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। जैसे आपको बता दें कि इसमें एलुमिनियम भी है, जिंक भी है, बोरान भी है, मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज भी है, बहुत प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है और ये बहुत बढ़िया वर्क करता है आपके मिट्टी और पौधे के लिए। इसमें मैंने 100 ग्राम मिला दिया नीम की खली और 200 ग्राम मिला दिया इसमें मूँगफली खली। अब इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है, मिक्स करके उपज के बर्तन के माध्यम से उसको ढक देना है और ढकने के बाद आपको काम ये करना है कि कम से कम आपको 3 दिन तक इसको छाया जगह पर रख देना और 3 दिन बाद आपको हम बताते हैं कैसे इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए आज पूरे 3 दिन हो गया है और देखिए पूरा एक लेयर जम गया है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं,
ये ऐसा फर्टिलाइजर इसमें हल्का सा आपको स्मेल आएगा सरसों की खली की तरह, जैसे उसमें भी आता है स्मेल। अब दोस्तों देखिए ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। अब इसको आपको ये करना है कि इसमें मैंने डाला था 5 लीटर पानी और आपको 15 लीटर पानी और मिक्स करना है। 15 लीटर पानी मिक्स कर देंगे तो देखिए मैं ये कम से कम 12 से 13 लीटर पानी इसमें मौजूद है और इसको हम इसमें इस्तेमाल कर ले रहे हैं। इसको इसमें मिक्स कर देंगे आप तो ये 20 लीटर की बाल्टी है करीब करीब आपका बन के तैयार हो गया। और देखिए इसमें ये जो हल्का सा ये बैठा हुआ है आपको बताएं कि जो मैंने ये इसकी खली लिया हुआ था तो छिलका सहित खली लिया हुआ था, क्योंकि छिलका सहित में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ये उसका वही शेष भाग बचा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप ये तैयार हो गया, इसको आप अपने प्लांट को आप दे सकते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि इसको किन किन प्लांटों को देना है। दोस्तों देखिए ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया और आपको बताएँ कि दोस्तों इसमें भरपूर एलिमेंट ये रेडी है। आपको बताएँ कि इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में इसे पाया जाता है और ये जो 6-7 एलिमेंट हैं आपको बताएँ कि आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। अब आपको बताएँ कि इसको किसी भी प्लांट को आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत ही फ़ायदा करेगा प्लांट के ऊपर। जैसे आप बताएँ कि ये 20 लीटर रेडी हो गया, 20 लीटर को आपको बता दें कि आप प्रति गमले के हिसाब से 150 से 200 ml, अगर आपके पास 12 इंच 10 इंच से ऊपर का पॉट है तो 150 से 200 ml आप लगातार इसको आप एक पॉट को आप दे सकते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि इसको महीने में एक बार आप इसको पौधे को दीजिए, बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस आपको मिलेगा। उसके बाद हम बता दें आपको दोस्तों कि इसको देना कब है। किसी भी प्लांट को अगर आपको देना है तो अगर वो प्लांट गमले में आप लगाए हुए हैं या ज़मीन में लगाए हों, कभी भी किसी भी समय किसी भी जगह आप इसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात आपको बता दें कि अगर वो प्लांट आपका 15 से 20 दिन का ऊपर का हो गया है तो 15 से 20 दिन के प्लांट जो ऊपर का हो गया तो उस प्लांट को आप ये दे सकते हैं, क्योंकि उस आप ये नहीं कोई भी प्लांट आप लगा दिए और लगाने के बाद तुरंत इसको आपको नहीं देना है, ये आपको ध्यान देना है। 15 से 20 दिन के बाद के प्लांट को आप किसी भी प्लांट दे दीजिए, चाहे फूल वाला हो या सब्जी वाला या फ्रूट वाला हो, किसी भी प्लांट को इसको दीजिए, रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। एक बात आपको और बता दें हम कि इसको किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में, कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में थोड़ा सा लोग कहते हैं कि इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल करिए, इसका रिस्पांस आपको बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। एक बात आपको और हम बता दें कि बहुत लोग कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर हम बना के देते हैं तो उनको जरूर ये पूछते हैं कि सर इसको स्टोर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। मेरा यही मानना कि इसको स्टोर बिल्कुल आपको नहीं करना है, स्टोर आप मत करिए, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही आप बनाइए। अगर आपको 10 लीटर की आवश्यकता है तो आप 100 ग्राम में बनाइए, 100 ग्राम मूँगफली खली में बनाइए, बहुत बढ़िया आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आपको 20 लीटर बनाना है तो 200 ग्राम, उस हिसाब से अपना डोज आप बढ़ा लीजिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस लिक्विड फर्टिलाइजर को रिस्पांस आपको 2 से 3 दिन में मिलना आपको शुरू हो जाएगा। मैं हर वीडियो में हमेशा यही कहता हूँ कि किसी भी पॉट को कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप दीजिए, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसकी गुड़ाई करने के बाद अगर हो सके तो आप पूरी रात उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद सुबह आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए, उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, लाइक तो शेयर करना बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।